नमस्कार, मैं नमी साहब, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अभी मेरी मौजूदगी जो है इनकम टैक्स चौराहा के पास है, जिसके मालूम होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 4 चरणों में होने जा रही है। प्रशांत किशोर इसको लेकर तरारी से, देखिए प्रशांत किशोर जो हैं तरारी सीट से एसके सिंह को उम्मीदवार तय किया है। जानते हैं जनता की राय क्या, जनता इसमें क्या कहती है। किशोर को किस तरह देख रहे हैं आप? तरारी से खड़ा कर रहे हैं, कैंडिडेट भी खड़ा कर दिए हैं, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर अपनी आइडियोलॉजी को उतारना चाहते हैं बिहार में, उसका प्रयास कर रहे हैं। अब उनकी आइडियोलॉजी को जनता कितनी समझती है, मात्र तरारी मैटर नहीं है, पूरे बिहार लेवल का वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो खाली तरारी मैटर नहीं है, तरारी में तो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समस्या है, उसके आधार पर लोग वोट इधर उधर कर देंगे। लेकिन जहाँ तक प्रशांत किशोर जी के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जी की आइडियोलॉजी को या उन पर कितना बिहार की जनता ट्रस्ट करती है उस पर डिपेंड करता है, और वो उस पर कितना अपने आप को खारा उतार पाते हैं, ये प्रशांत किशोर की नेतृत्व करने की क्षमता दिखाई देगी। और क्या, वैसे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस धरती पर जब भी रहा है तो दानवी प्रवृत्ति के लोगों का ही राजपाट रहा है, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो। और जो दानव नहीं है वो दानव पोस के रखते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों, दानवी प्रवृत्ति के लोग हैं ही राजनीति में भाई, ज़्यादातर लोग तो लड़ाई झगड़ा उसी में ट्रस्ट कर रहे हैं, तो राजनीति में तो हमेशा यही हुआ है। तो प्रशांत किशोर जो अब नया उम्मीदवार है, प्रशांत कितना उम्मीद लग रहा है आपको? क्या उम्मीद हम बोलेंगे अभी, वो अभी हम क्षेत्र में गए नहीं हैं, लेकिन वहाँ का क्षेत्रीय समीकरण अलग तरीके से है। बोले 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो नहीं, सब पार्टी जितना भी पार्टी खड़ा हो रही है सबको सफाया कर देंगे। जितने भी पार्टी खड़ा हो रही है सबको सफाया कर दिया जाएगा, प्रशांत किशोर सब बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अपनी तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़े है कि जो बोल रहे हैं वही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप अपनी बात रखिए, लोग अपने फैसला तो जनता के हाथ में है, फैसला जनता के हाथ में है। आपको अगर चाहिए तो कितना परसेंट दीजिएगा उनको? परसेंट हम क्या परसेंट दे पाएंगे, तो जो भी मेरे परसेंट देने से कुछ नहीं होने वाला। और जो भी उम्मीदवार तय हुआ है, जनता का तय किया हुआ उम्मीदवार है, ये कैसे कहेगा कि जनता का तय किया हुआ उम्मीदवार है उनके पास? ऐसा कुछ भी नहीं है, 10 को मिल के आपका दिया तो उम्मीदवार चयन हो गया, जनता का हो गया, ऐसा नहीं होता है। जनता का उम्मीदवार कभी हुआ ही नहीं है, जनता का चुनाव हुआ, जो भी जनता चुनेगा उसी को तय किया जाएगा, चुना जाएगा। जनता अपना उम्मीदवार कहाँ, उसको राइट ही नहीं है। प्रशांत किशोर खाली सी बात बनाते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। विचार विधानसभा चुनाव देख लीजिएगा, नीतीश कुमार भी किस तरह से पूरा बिहार में काम करे से काम करते रहेंगे, लेकिन प्रशांत के साथ जो भी बात बोले ना, ढोकोसला बात बोले, उससे कुछ होने वाला नहीं, सिर्फ बराबती बात बोल रहे हैं। ये करेंगे वो करेंगे, कुछ से कुछ नहीं होने वाला है। वो क्या बोल रहे हैं उपचुनाव में देख लेंगे, हम तो बोलेंगे एक सीट पूरा विधानसभा का चुनाव होगा, एक सीट लेकर दिखाओ तब समझेंगे आप मतलब राजनीतिकार बनते हैं। उससे कुछ नहीं वाला, सिर्फ राजनीति की बात करते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 23 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा, कोई सही पार्टी को सफाया हो जाएगा कुछ चार रिजल्ट जब हो, अभी तो हम पूरा चुनाव का नहीं देखे हैं, लेकिन पता लगा है कल नोटिस आया है चार विधानसभा का उपचुनाव होगा, जिसमें से गठबंधन सरकार चल रही है एनडीए का, 4 सीट है जो उसके झोले में जाएंगे। अभी तय नहीं हुआ है किसको जदयू में कितना सीट मिलेगा, बीजेपी कितना सीट मिलेगा, लेकिन 4 जो भी सीट होगा 4 एनडीए के समर्थन में झोले में जाएंगे सीट। प्रशांत किशोर कुछ नहीं होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है, उस ओर वोट काटेंगे, वोट काटने से कुछ नहीं होगा। जो भी वोट काटेंगे वो तेजस्वी के वोट काटेंगे, एनडीए के वोट नहीं काटेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैंने आपको कहना है कि वोट कटवा कर निभाएंगे, वोट कटवा लेंगे, मानते वोट काटेंगे, लेकिन उनको सीट थोड़े ले पाएंगे, वो तो वोट कटा ही है, उससे सीट नहीं ले पाएंगे। खाली उसका बोलने का है, राजनीतिकार बनते बोलने के लिए बनते, कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक कुछ किया है क्या? अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ बोलने वाला काम। जीतेंगे तो ना कुछ करेंगे, जीतने से पहले भी कुछ करते हैं, घूमते हैं ना, ऐसा थोड़बो है जब पहले हम विधायक ही कुछ बन जाएंगे उसके बाद करेंगे। जो भी नेता कुछ करते हैं, कुछ जीतते हैं, उससे पहले काम करते उसके बाद जीतते हैं। अगर कोई मुखिया कोई समिति से लड़ते हैं, पहले हम अपना गांव में विकास करें, कुछ करें, उसके बाद ना हमको वोट करेंगे, वैसे नहीं हमको कर जाएंगे। हम भी किसी से खड़ा होंगे, पहले हम काम करेंगे गाँव में, उसके बाद हमको कोई वोट देगा। हाँ, लड़का काम करता है उसके बाद उनको समर्थन करेंगे, उसको वोट देंगे, यही बात है।
और चुका है लालू जी से आदमी उब चुका है, अब तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर हैं और ये अच्छा वोट लाएंगे, किंग मेकर के रूप में ही विकसित होंगे, एकदम निश्चित है किंग मेकर बनेंगे, बनेंगे। हाँ किंग मेकर विश्वास है, पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। क्या ऐसा कर दिया कि विश्वास आपको पूरा है? तीसरा विकल्प है, बढ़िया हमें कैंडिडेट देंगे, बढ़िया आदमी को सामने लाएंगे, सही बात रखेंगे तो क्यों नहीं समर्थन देगा। नीतीश कुमार आज विकसित विकास पुरुष के नाम के लिए मशहूर है, होमगार्ड का बहाली 2006 का बहाली आरा में अभी फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश हो रहा है, नीतीश कुमार कहाँ थे? पटना जिला का बहाली 2009-11 का 2023 में हुआ है, नीतीश कुमार कहाँ थे? क्यों होमगार्ड का बहाली उनसे नहीं हो पाया 13 साल में? क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण है कि आप होमगार्ड का बहाली नहीं कर सकते हैं? पूरा बिहार में विकास कर दिए, क्या विकास किए आप? जब एक होमगार्ड का 2017 में होमगार्ड का वेतन बढ़ा है, आज 23 हो गया, आज तक नहीं बढ़ा, झारखंड में बढ़ गया, यहाँ क्यों नहीं बढ़ाए हैं? क्या आप काम कर रहे हैं? वो तो बोले कि सबको रोजगार दे रहे हैं। हाँ रोजगार दे रहे हैं, रोड पर आदमी फटक रहा है, रोजगार कहाँ दे रहे हैं बताइएगा तब तो। आप जाए गांव में देखिए, सब पलायन हो गया, गांव में कई आदमी रह रहा है, सब पटना बाहर कमाने आता है, डेली लेबर के काम करने पटना आता है, गांव की स्थिति देखिएगा तब ना, पटना खाली देखने से नहीं ना होगा। तीसरा विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर उभरेंगे, हर जाति हर समाज का समर्थन मिलेगा, जो भी कैंडिडेट का टिकट बीजेपी से नहीं मिलेगा, जदयू से नहीं मिलेगा, राजद से नहीं मिलेगा, प्रशांत किशोर में आएंगे, बढ़िया बड़े कैंडिडेट चुन के देंगे, कहीं कभी कहीं वोट काट के उनको हरा देंगे, कहीं वहाँ भी आ रहेगा, इनका भी 10-15 सीट आएगा, किंग मेकर ग्रुप में बनेंगे, किंग मेकर ग्रुप में एकदम कन्फर्म बनेंगे, इसमें दुमत नहीं है। कहाँ से इनको कम माने? नीतीश कुमार की सरकार बनाने का योगदान था, सहयोगी थे, सलाहकार थे, ममता बनर्जी के सलाहकार थे, कैसे आप नहीं मानेंगे, नहीं बना पाएंगे? और भी कुछ लोग हैं तो उनसे भी जानने का चाह रहा है। ये बताइए प्रशांत किशोर 43 सीट से उम्मीदवार तय कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए आप लोग चौथी स्तंभ हैं, आप लोगों को पूरी जानकारी होगी। मैं तो यह मानता हूँ चुनाव में हर आदमी लगता है जी जान से, अब किसके किस्मत में कौन सी सीट आती है वो मैं नहीं जानता। हाँ। अब रहा मामला आदरणीय प्रशांत किशोर जी का, तो मैं जहाँ तक मैं जब तक देखा वो मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर से घुमा करते थे, और मुख्यमंत्री जी प्रशांत बाबू ऐसे कर लीजिए, प्रशांत बाबू ऐसे, वो तो नीतीश कुमार के गुण को बताने का काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी का एक तरह से अनुसरण भी कर रहे हैं, और मैं एक चीज़ बता दूं, उनका विरोध भी भरपूर कर रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आता कोई क्या स्थिति पैदा करना चाहते हैं। अरे भाई बेलागंज जो भी है, आपको अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का, लड़िए, जदयू भी उम्मीदवार देगा। प्रशांत किशोर जी का कोई वजूद ही नहीं ना है बिहार में, कोई वजूद नहीं है। प्रशांत किशोर जी नतमस्तक है नीतीश कुमार के आगे, जहाँ जा रहे रोड बन रहा है नीतीश कुमार का। हाँ। आप जाइए सब जगह, एक और जनस्वराज लिखा देने से क्या हो जाएगा? बोल रहे हैं प्रशांत किशोर बिहार में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बिहार में आप आके देख लीजिए प्रशांत किशोर जी, यही हेलीकॉप्टर ना था जो आप मुख्यमंत्री जी को सलाह देते थे कि मुख्यमंत्री जी बिहार में लाइन ऑर्डर सुधार दीजिए, यहाँ SP को तैनात कीजिए, तो बिहार में IAS IPS तो काम करने में लग गए। हाँ। है ना, अब कानून का राज कायम हो गया, अब अपराध कहाँ से हो रहा है इसका वही ना जवाब देंगे। अभी थानेदार सस्पेंड हुए ना, अभी दरोगा सस्पेंड हुए ना, अभी IAS रैंक के आदमी ये निलंबित हुए ना, तो बिहार में तो कानून का राज है, कानून से कोई नहीं खिड़वाड़ कर सकता है। हाँ। और रहा मामला आप जो कह रहे हैं कि बिहार में अव्यवस्था है, तो पूरी व्यवस्था को भी तो देख लें, उसके बाद अव्यवस्था पर कटाच करें। क्या कहिएगा? नहीं जी, इनको बोलने से क्या होगा, नीतीश कुमार के समर्थक नीतीश कुमार का माला जप रहे हैं, 18 साल में नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत सरकार बना पाए हैं, क्यों नहीं बना पाए? जब इतना उनके पास जनाधार था, इतना काम किए हैं, पूर्ण बहुमत तो क्यों नहीं आए? बैसाखी पर चलते हैं, कभी BJP के मत सरकार बनाते हैं, कभी जदयू से पलटूराम बनते हैं, क्यों पलटूराम को उपाधि मिला? जब इतना आप काम किए हैं जनता का, इतना आपको अच्छा छोड़िए, सब 43 सीट पर क्या कहिएगा? 43 सीट पर कोई कुछ भी कर ले, जीत सुनिश्चित जनता दल यू की होगी, NDA का उम्मीदवार ही जीतेगा ना। जय नीतीश कुमार, भारत माता की जय। तो आपने सुना सबकी अलग अलग मैंने की बात है, कोई कह रहा है प्रशांत किशोर जो है कोई इस बार मौका मिलेगा अच्छा करेंगे, कोई कह रहे हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार जीते, कोई कहे कि मैंने कि इस बार जो है NDA के उम्मीदवार जीतेंगे। खैर ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा किसकी जीत निश्चित होगी। तमाम खबर देखने के लिए 1N24 बने रहें, धन्यवाद।